जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यह है भद्रकाली मंदिर, ये है पुल, पुल पूरी तरह डूब चुका है, इसके जो पिलर है वो भी टूट गए हैं, देखो। पानी ही पानी, पानी की एक चादर जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि भाई आज आपने कुछ ऐसा व्लॉग स्टार्ट क्यों किया है और अभी आप कहाँ पे हो, तो उनको मैं पूरा वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो पूरा आगे तक भी देख लो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अवर चैनल एन अनदर वीडियो। तो अभी मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ से 10 किलोमीटर साइड में भद्रकाली मंदिर के पास। भद्रकाली का मंदिर उधर है, थोड़ा जूम करके दिखा दो, वो सामने भद्रकाली का मंदिर है और ये घग्गर नदी है जो पूरी उफान पे है अभी। और घग्गर नदी का आप पुल देख पा रहे होंगे, वो पुल काफी नीचे है और जो इसके पिल्लर है वो भी टूट चुके हैं पानी के कारण। इधर वाली साइड आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी स्टॉल लगी है, जो एक तो प्रसाद मिलता है उनपे और खिलौने वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। उधर वाले लोग अभी इधर नहीं आ सकते, इधर वाले उधर नहीं जा सकते। जो आपने पिछली वीडियो में देखा था कि गग्गर नदी में इतना पानी नहीं था और वो पुल भी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे था, वो पुल काफी ऊंचा था इसलिए वहाँ पे इतना पानी नजर नहीं आ रहा था और इतना पानी आया भी नहीं हुआ था। तो जानकारी के लिए बता दूं कि O2H जो सिरसा में पड़ता है वहाँ से पानी छोड़ा गया है, 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले पानी छोड़ा गया है और इसमें पानी की आवक देखो कितनी हो गई है, ये देखो। यहाँ पे गग्गर नदी काफी चौड़ी है और जैसे जैसे इधर आगे की तरफ जाएगी तो ये काफी पतली होती जाएगी। आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो वो देख लो, उसमें बिल्कुल पानी नहीं था गग्गर नदी के अंदर, जो कचरे का पानी था वही वहां पे छोड़ा जा रहा था, जो मैंने एक क्लिप डाली थी, क्लिप में आपने देख लिया होगा। अगर आपको थोड़ी डीप में जानकारी दूं तो O2H में पानी जो आता है वो पहाड़ों से आता है, जैसे जैसे O2H में पानी बढ़ता जाता है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके गंगा नदी में पानी छोड़ दिया जाता है। तो अभी ये सीन ये चल रहा है कि जो उत्तर भारत या कहूँ पहाड़ी क्षेत्र में बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि गंगा नदी में इतना पानी उफान पे है, ये गंगा नदी आज, ठीक है। और ये गंगा नदी सिर्फ मौसमी नदी है, जब मानसून होता है तभी इसमें बारिश होती है, वरना इस नदी के अंदर पूरे साल पानी नहीं आता है। जो आसपास एरिया में है, जो फैक्ट्री लगी हुई है, वहां से गंदा पानी छोड़ा जाता है। पीछे आपने देखा भी होगा, एक बार वापस से देख लो, व्यू काफी अच्छा है यहाँ पे और पूरा समुद्री समंदर नजर आ रहा है। एक बात जरूर ध्यान रखना, कभी भी इतना पानी होना तो पुल को पार करने का रिस्क मत लेना, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। कहीं आप सोचते होगे कि डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, तो वो वाली बात है ना, सिर्फ फिल्मों में होती है या फिर एडवर्टाइजमेंट में ही होती है, तो वो वाली गलती मत करना, क्योंकि गलती करोगे तो यहाँ से तो आपको लग रहा है कि तल इसका काफी गहरा नहीं है और ऊंचा ऊंचा तल है कि निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ना 2-3 साल पहले कुछ बंदों ने रिस्क भी नहीं लिया था और वो उसकी बाइक भी इसके अंदर गई थी और वो भी इनके अंदर गए थे, बिल्कुल नहीं बचे थे, वो गोताखोर ढूंढते ही रह गए थे। तो वो वाली बात मत करना, कहीं पे आप सोचो कि यार उधर जाना है, घूम के नहीं जा सकते, इधर से ही जाना है मेरे को। आपको बता दूं कि थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, भद्रकाली मंदिर में मेला लगा हुआ था, जो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पार्किंग थी और इधर वाली साइड यहाँ पे भी पार्किंग थी, यहाँ पे जो झूले लगाए हुए थे झूले और पार्किंग दोनों थी और इधर वाली साइड झूले और पार्किंग दोनों थी। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं, वो व्लॉग देख लेना कि गग्गर नदी में पानी आने से पहले यहाँ की सिचुएशन कैसी थी और अब सिचुएशन कैसी है। पानी को देख के समुंदर की फीलिंग आ रही है, जैसे कि इधर इधर वाली साइड बीच है वहाँ पे जाके नहा लो, डूब के लगा लो। तो फिर बाद में एक बात याद आती है कि यार बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो वाला डायलॉग सुना है मैंने, तो वो हंसी खत्म है यहाँ पे।
वैसे ना मेरा मकसद ये था कि भद्रकाली मंदिर का पूरा व्लॉग बनाऊं, मैं पूरा एक्सप्लोर बताऊं कि कैसे कैसे ये भद्रकाली मंदिर यहाँ पे बना था और क्या क्या इस मंदिर का इतिहास रहा है। तो यार मैंने सोच भी रहा था काफी टाइम से, पर अब ये पानी आ गया तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी जिस कारण मैं व्लॉग नहीं बना पाया। अगर आपको भद्रकाली मंदिर का पूरा व्लॉग चाहिए, पूरा डिटेल व्लॉग चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं व्लॉग बना दूंगा। जैसे ये पानी यहाँ पे खत्म होगा मैं व्लॉग बना दूंगा। आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा भी लगा होगा। मैं धीरे धीरे करके व्लॉग में इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ, अगर कोई कमी है तो मेरे को कमेंट करके बता देना। और वैसे थोड़ा हेल्प करो यार, 500 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कराओ, 100 या 120 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, बस वो कंप्लीट करा दो, फिर आपको स्पेशल व्लॉग आएगा। तो उस स्पेशल व्लॉग के लिए बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना और लाल कलर का बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, और पुल को इधर से उधर जाने की गलती को भी मत करना।